आरती के समय सभी अतिथि घंटी बजाएंगे, ये इस वक्त जानकारी हमें मिल रही है समारोह से जुड़ी हुई। सभी अतिथियों के, सभी मेहमानों के हाथ में घंटी मौजूद होगी प्राण प्रतिष्ठा के समय और आरती के समय ही घंटी मौजूद होगी और सेना के हेलीकॉप्टर उसके बाद फूल बरसाएंगे, तो ये पूरा समा बंद जाएगा। पूरी अयोध्या के ऊपर फूलों की बरसात होगी। 30 कलाकार एक साथ भारतीय वाद्य यंत्र बजाएंगे। अब चलते हैं अंकित के पास, जो कि जम्मू से हमारे साथ हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहुत ज्यादा जोश इस वक्त नजर आ रहा है और बहुत कम समय रह गया। अंकित, वहां से तस्वीरें दिखाइए, जम्मू के लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 1835 में रघुनाथ मंदिर जो है उसका निर्माण जो है वो शुरू हुआ था। 1860 में इसका पूरे तरीके से निर्माण जो है वो किया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर है और लगातार यहाँ पे जो राम के भक्त हैं वो यहाँ पे सुबह सुबह पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम मंदिरों के शहर जम्मू से दिखा रहे हैं और तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ना सिर्फ जम्मू के वासी बल्कि अलग अलग प्रदेशों से जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए। और ना सिर्फ बच्चे भी, आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे पहुँचे। कितनी खुशी आप लोग में आज के दिन? बहुत खुशी है। एक बड़ा दिन मानते हैं आज? आज तो दिवाली से ज्यादा बड़ा दिन है आज। किस तरीके से आप लोग मनाएंगे आज का दिन? आज के दिन बहुत अच्छा मनाएंगे, बहुत हम लोग यूपी से हैं, बढ़िया मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे। खुशी आज? बहुत खुशी है सर, बहुत धूमधाम से दीपावली की तरह धूमधाम से मनाएंगे आज का दिन। पंडित जी, आज क्या कुछ विशेष रहने वाला है आज, क्योंकि ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर है, क्या कुछ विशेष रहेगा आज? विशेष आज महाराज, पहले हम झांकी निकालेंगे, फिर उसके बाद विशेष आरती होगी, आरती के बाद फिर भजन संध्या चलेगी और भंडारा लगेगा, भजन कीर्तन। और ये उत्साह देखिए, जम्मू से भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे इस स्टूडियो में आप जो इस वक्त भव्य तस्वीर देख रहे हैं वो भी वही भाव है जो इस वक्त अयोध्या में है, देश के कोने कोने में। हमारे साथ देखिए कीर्तन मंडली है, बटुक है, हमारे साथ राधे वैष्णव जी हैं जो कि हमें कीर्तन भजन सुना रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं। देखिए रामकृपाल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं इस वक्त। रामकृपाल जी, भाव में सुनना चाहता हूं आपके, क्योंकि पत्रकार होने के नाते आपने बहुत कुछ देखा, आज क्या भाव है? देखिए मैं तो मानस में एक चौपाई है सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीय रूप का कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिन बानी। यानी जो दूसरी लाइन है कि मैं इसको आज के दृश्य पे इसको लागू करता हूँ कि अगर जिह्वा इसका वर्णन कर सकती है तो आंखें बंद हो जाती हैं, और आंखें अगर उसको देख सकती हैं तो मुँह से शब्द नहीं निकलते। मेरे लिए क्या किसी के लिए भी ये अकल्पनीय था, सपने में भी नहीं था कि ऐसा दिन कभी आएगा, देखेंगे। और जिस तरह से मैं इसको एक ही शब्द में कहता हूँ कि ये हमारे सिर्फ भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, क्योंकि सनातन ही एक है जी, जिसमें पृथ्वी और अंतरिक्ष यानी चेतन और अचेतन दोनों का मिलन है। मतलब दोनों के मंगल कामना करने वाला धर्म अगर कोई सोच है तो वह सनातन है। बहुत बड़ी बात आपने कही। वनस्पति भी है, पृथ्वी भी है, मतलब सिर्फ चेतन ही नहीं है, जीव तो है ही, अचेतन भी, नदियां, पहाड़, पर्वत, धरती, आकाश भी गवाह है, शांति शांति। बहुत बड़ी बात आपने कही कि सांस्कृतिक जागृति का वक्त है, ये मौका है। हमारे साथ मनोज सिंह जी भी हैं, आपने किताब लिखी मैं रामवंशी हूँ। मनोज जी, अगर मैं आपसे शुरुआत करूँ तो फिर तो यही कहना होगा, जन्म जन्म की खोज बताए कि राम से चलकर राम पर ही आए। हम सब यहाँ रामवंशी हैं और प्रभु राम की जो जन्म स्थली है वहाँ पर इस वक्त मेरा ऐसा मन कह रहा है कि वहाँ सारी दिव्य शक्तियाँ उपस्थित हो गई होंगी और उस सभी दिव्य शक्तियों का हम दर्शन करेंगे। यहाँ से हम साक्षी बन रहे हैं। कुछ चंद पंक्तियाँ रामकृपाल जी ने कहीं तो मुझे अपनी पंक्तियाँ भी याद आ रही हैं। राह तकी जीवन भर जिनकी, रोको मत आ जाने दो, आके तरस गई है जग की, राम मेरे दिख जाने दो। तो इस वक्त तो पूरा विश्व जो है राम जी को देखना चाहता है, और राम जी के आगमन के बाद
मेरा ऐसा अनुमान है कि ये भव्यता जो है दिव्यता में बदल जाएगी।